बितंडा होने लग गया। परीक्षित महाराज ने देखा यद्यपि ये एक ही मीमांसा पर पहुंचेंगे, श्रोतव्य कृतितव्य स्मर्तव्य इच्छता भयम्। अगर जीवन में कोई अभय बनना चाहते हैं, भगवान की कथा सुने, उनका स्मरण करें और कीर्तन करें, यद्यपि ये एक ही सिद्धांत पर पहुंचेंगे, लेकिन का वर्षा जब कृषि सुखा है। मेरे पास में तो कुल 7 ही दिन है, ज्यादा दिन तो है ही नहीं। देखो परीक्षित महाराज को पास में तो 7 ही दिन था, लेकिन हम कोई क्या बता सकता है हमारे पास में कितना दिन है, कोई बता सकता है? हमने जो श्वास छोड़ा है, हमने दूसरा श्वास भी ले पाएंगे, कोई बता सकता है? लेकिन बड़ा आश्चर्य की बात है, कहते जगत में सबसे बड़ा आश्चर्य बात किया है, जब श्री जक्ष ने परीक्षित श्री युधिष्ठिर महाराज को प्रश्न किया, तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं अहनी अहनी भूतानी गच्छन्ति जम मंदिर। हमने देखा हमसे जो छोटा था ना, वो हमसे पहले चला गया, लेकिन हम सोच करके बैठे हैं, अरे वो चला गया, लेकिन मेरा कभी मृत्यु नहीं होगी, मैं कभी मरूंगा नहीं। तो ये जगत में सबसे बड़ा आश्चर्य बात है, सबसे बड़े आश्चर्य बात यही है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी श्री परीक्षित महाराज सोच रहे हैं मेरे पास में कुल 7 दिन है। देखो हमारा पास में भी कुल ही 7 दिन है, हमारे पास में कितना दिन है? 7 दिन है। बोले कैसे है? एक सुंदर कथा सुनो, ध्यान देकर सुनो, ये सारी कथा को ना आप सब याद रखते रहना, ऐसे नहीं यहाँ सुने और सब भूल गए। ये कथा को सब याद रखना, मैं जो कथा सुनाता हूँ अभी, जो स्टोरी सुनाऊंगा शाम को सब पूछूंगा, ठीक है? बोले एक समय कोई एक राजा राज दरबार में कोई एक साधु आए, वहां पर चौकीदार था, बोले घर में महाराज है? बोले है। बोले उनको जाकर के बताओ कोई संत आए, केवल 1 मिनट के लिए कोई जरूरी बात करना चाहते हैं। बाबा तिलक लगाने वाले बाबा, अब बैठ जाओ, ज्यादा जरूरत नहीं, बैठ जाओ, इसलिए आपसे मिलना चाहते हैं। वो चौकीदार जाकर के बोले कोई एक संत आए हैं, कोई जरूरी काम है, वो आपसे 1 मिनट बात करना चाहते हैं। राजा सोचा साधु लोग क्यों आते हैं, होगा कुछ भिक्षा लेने आए होंगे, 101 रुपया दे दिया। बोले बाबा को दे देना। संत ने कहा मैंने पैसा लेने नहीं आया हूं, मैं तो कोई विशेष जरूरी काम लेकर के आया हूं, 1 मिनट के बल मिलना चाहता हूं। राजा को जो बोले बाबा तो पैसा लिए नहीं, वो कहते आपसे मिलना चाह रहे हैं। बोले होगा 100 रुपया में बाबा का मन ही नहीं भरेगा, तो उन्होंने 5 से 1 रुपया भेज दिया, तब भी वो साधु लिए नहीं। राजा सोचा इसमें भी मन भरा नहीं होगा, उन्होंने 1101 रुपया भेज दिया, तब भी बाबा लिए नहीं। इतने में श्री महाराज कहते संत को बोल दो, राजा राज कार्य में बहुत बिजी है, उनके पास में कोई समय नहीं संतों से मिलने के लिए। संत बड़े दुखी होकर के रानी के पास में गए, वहां पर कोई दासी थी। बोले दासी को बोले अंदर में महारानी क्या है? बोले है। बोले उनको बताओ कोई संत आपसे मिलने के लिए आए, कोई जरूरी काम, 1 मिनट मिलना चाहते हैं। रानी तो सुनकर बड़ी प्रसन्न हो गई, संत आए, बड़े भाग्य से संतों का दर्शन मिलता, जाओ उनको बुला करके अंदर में ले आओ। रानी उनको प्रणाम की, आसन दी, बैठाए। बोले बाबा आपको क्या सेवा करें? बोले महारानी आप ध्यान दे करके सुनो, मैं राजा को प्रसाद में मिलने 1 मिनट मिलने आया था, लेकिन राजा हमसे मिले ही नहीं। बोले मुझे ही बताओ, मैं ही सेवा कर दूंगी। बोले महारानी अब कान खोल कर सुन लो, मैं अपना भजन करते करते अपना दिव्य दृष्टि से मैंने देखा है कि जो राजा है इसको 7 दिनों में ये मरने वाला है। मैंने इतनी सी बात उनको बताना चाह रहा था, लेकिन वो हमसे मिले ही नहीं। रानी जब सुना 7 दिनों में राजा मरने वाला है, अभी नई रानी घर में शादी करके आई, राजा कुछ दिन पहले राज सिंहासन पर बैठे, अगर रानी को पता चले 7 दिन में राजा मर जाएगा, बताओ रानी का स्थिति क्या होगी। इतना सुनते ही रानी इतना घबरा गई, बोले बाबा आप क्या सच बता रहे हो बात? बोले महारानी मेरी भजन कभी झूठा नहीं हो सकता, ये सत्य है। बोले बचने का कोई उपाय? बोले कोई उपाय नहीं, आप इतनी सी बात राजा को सूचित कर देना,
बाबा चल पड़े। रानी इतना घबरा गई, एक दासी को बुलाए, बोले अभी अभी जाओ, राजा को बोलो रानी अभी अभी घर में बुला रही है, कोई जरूरी काम है। देखो अभी राजा के पास में एक मिनट भी समय नहीं था, लेकिन जब दासी ने जा करके बोले रानी अभी अभी बुला रही है, कोई जरूरी काम है, राजा तो सारे काम को छोड़ कर दौड़े। रानी को बोले ऐसे क्या काम पड़ेगा, अभी अभी तो मैंने ऑफिस में गया था। बोले आपके पास में कोई संत मिलने के लिए गए थे? बोले हाँ। बोले मिले हो? बोले राज कार्य में मैं बहुत बिजी था। बोले महाराज कृष्ण स्वयं उद्धव जी को कहते हैं, हे उद्धव, जब किसी जीव को ऊपर में कृपा करता हूँ वो साधु रूप में ही आता हूँ, जब कोई शुद्ध साधु आपसे मिल जाए समझना ये ठाकुर ही हमारे साथ में मिले ही, ये भगवान ही हमारे साथ में मिले ही। अरे मैंने बुलाया तो आप भागते भागते आ गए, संत आए तो एक मिनट भी समय नहीं मिला। बोले बताओ तो बात क्या? बोले बात तो बड़ा गंभीर बात है, वो संत अपना दिव्य दृष्टि से देखा आप 7 दिनों में मरने वाले हो। इतना सुनते ही राजा तो अभी अभी कुछ दिन पहले उनकी राज्याभिषेक हुई थी, जब सुना 7 दिन में मरने वाला हूं, वो तो सुनते ही आधा ही मर गया। बोले क्या बोल रहे हो? बोले हाँ वो तो यही बताने आए थे। मैंने उनको ये भी पूछा बचने का कोई उपाय है? बोले कोई उपाय नहीं। राजा तो इतने घबराए, उन्होंने सैन्य सामंत को बुला करके भेज दिया, जाओ वो संतों को पालकी में बैठा करके आदर पूर्वक ले आओ। जब बाबा को लेकर के आए चरण में गिर पड़े। देखो अभी एक मिनट समय नहीं था, अभी बड़े उनके स्वागत हो रही है, बैठा है चरण धोए प्रणाम किया। बोले आपके चरण में अपराध हो गया है, आप तो कोई जरूरी काम लेकर के आए थे। बोले महाराज आपने बताया मैं 7 दिन में मरने वाला हूँ। बोले हाँ। बोले ये बात क्या सही है? बोले ये ध्रुव सत्य है। बोले बचने का कोई उपाय? बोले कोई उपाय नहीं। राजा तो घबराए। संत बोले महाराज जी आप घबराओ मत, आपने बहुत दान पुण्य किया है, मरने का बात आपको अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होगी, लेकिन वहां पर सारे चीज तो सही सही मिलेगी, लेकिन एक चीज वहां पर कमी है। बोले किस चीज की? बोले स्वर्ग में बहुत बड़े बड़े मच्छर रहते हैं, रात को जब आप सो गए ये मच्छर आपको काटते रहेंगे। बोले फिर? बोले चिंता मत करो, वहां पर मच्छरदान का भी व्यवस्था है, कि इधर कोई बताओ इधर बताओ उधर, इसलिए कहते मच्छरदान का भी वहां व्यवस्था है, लेकिन और एक चीज की कमी है। बोले किस चीज की कमी है? बोले मच्छरदान का कोने में एक छोटा सा छेद है, मच्छर उधर घुसने का चांस है। बोले फिर? बोले जब आप मरोगे एक काम करना, साथ में एक सुई और एक धागा साथ में ले चलना, और वो जो छेद है ना उसको सिलाई कर दोगे, बस चैन की नींद में सो गए। बोले बाबा आप क्या बता रहे हो? मरते समय सुई धागा ले जाए? बोले हाँ। बोले मरते समय तो हमें यहीं पर जला देंगे, हम सुई धागा कैसे ले जाएंगे? बोले इतना बड़ा राज्य है, जिस राज कार्य में तुम इतने बिजी हो, कोई संत आने पर भी तेरे पास में एक मिनट का भी समय नहीं, जिस राज्य से तुम एक सुई धागा भी ले नहीं जा सकते हो, एक सुई धागा भी यहां से ले नहीं सकते हो। महाराज आपको मैंने केवल इतनी सी बात आपको बताने के लिए आया, जिस राज्य में तुम राज्य तो कर रहे हो, अंतिम समय एक सुई धागा भी तेरे साथ में जाने वाला नहीं, मैं यही बताने के लिए आया था। तो वो संत कहते हैं ये बताओ मरते समय क्या बोलते बोलते ले जाते हैं? चार व्यक्ति जब कंधे पर लेंगे क्या बोलते बोलते ले जाते हैं? बोलो क्या बोलते बोलते? जोर से बोलो, अब तो मुंह से वाणी नहीं निकल रहा है, राम का नाम ही नहीं निकल रहा है, जोर से बोलो, यही बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठा है। बोले महाराज ये बताओ कितने राम नाम कर रहे हो, कितने कृष्ण के नाम कर रहे हो, कितने झूठे में बिता रहे हो? बोले अंतिम समय में प्रभु का नाम ही जाएगा और तो कुछ जाएगा नहीं।
आप वो राम नाम में कितना समय देते हो और संसार के विषय में कितने समय संसार के विषय में देते हो। महाराज आप हमें इतनी सी बात बताने के लिए आए थी, इसलिए श्री मीरा कहती है बोले ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाओ गली गली राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली ले लो रे कोई राम का आवाज लगाओ गली गली राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली मोती लूटे बहुत माला माल हुए माया के जो बन पुजारी आखियों का गाल हुए माया के जो बन पुजारी साथ में एक सुई धागा भी नहीं जाने वाले हैं। लास्ट में क्या जाएगा साथ में भगवान की नाम ही साथ में चलेगा। तब श्री संत ने उनको समझाया, देखो आप लोग भी समझो। संत ने कहा देखो महाराज आप लोग भी समझो ये शब्दों को। उन्होंने क्या समझाना चाह रहे थे बोले देखो अब इधर देखो उधर सब उधर देखने लग जाते हैं। कोई एक आदमी आए तो सब ध्यान उधर चल जाती है।
और यहाँ पर एक व्यक्ति को खड़े कर दो जो माताएं आए ना, बोले सामने सारी चीज रहती है, ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। वहां पर एक व्यक्ति को निजुक्त कर दो, केवल एक व्यक्ति वहां खड़े रहो, ठीक है। हरे कृष्ण। देखो संत उनको क्या समझा रहे हैं, आप लोग भी समझो। संत ने कहा था आप 7 दिनों में मरने वाले हैं। बोले देखो दिन 7 ही है, दिन कभी 8 नहीं होता है। लेकिन वो राजा क्या समझ रहा था, मैं 7 दिन को बाद में मैं मर जाऊंगा, 7 दिन को बाद में मर जाऊंगा। लेकिन उनको बोलने का एक टेक्निक था, उन्होंने बताया था 7 दिनों में मरोगे। कहते दिन 7 ही है, दिन कभी 8 होता ही नहीं। रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, जब हम ये शरीर छोड़ेंगे 7 दिनों में एक ना एक दिन ही शरीर छोड़ेंगे, 7 दिनों में एक ना एक दिन ही शरीर छोड़ेंगे। इसलिए उन्होंने ये नहीं बताया था 7 दिन बाहर में मर जाओगे, क्या बताया था 7 दिनों में मरोगे। मतलब जब हम मरेंगे 7 दिनों में एक ना एक दिन ही मरेंगे, लेकिन मरते समय हमारे साथ में एक सुई धागा भी यहां से जाने वाले नहीं, एक सुई धागा भी साथ में नहीं जाएगा। क्या जाएगा, राम नाम सत्य है और गोपाल नाम सत्य है। जितने भगवान का नाम लेंगे केवल वही जाएगा। पत्नी रो रो कर दरवाजा तक चलेगी, उसको आगे नहीं चलेगी। परिवार वाले शमशान तक चलेंगे, उसका आगे कोई नहीं चलेगा। उसको आगे क्या चलेगी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जितने हम भगवान के नाम जप करेंगे केवल वही चलेगा, और साथ में कोई कुछ भी जाने वाले नहीं। इसलिए यहाँ पर श्री परीक्षित महाराज हैं, श्री परीक्षित महाराज को बोले, परीक्षित महाराज सोच रहे हैं मेरे पास में 7 ही दिन है, लेकिन 7 दिन को अंदर में मैं मरने वाला नहीं हूं, क्योंकि ये ऋषि की अभिशाप है। लेकिन हमारे पास में 1 सेकंड तक भी हमारे पास में नहीं। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं जानते हो, अरे वो मर गया, हम थोड़ी मरने वाले, हम तो अभी 100 साल तक जीता रहे, हम मरने वाले नहीं। इसलिए किसको भजन करने के लिए बताओ ना, अरे अभी भजन करने का क्या जरूरत है, अभी भजन करने का क्या जरूरत, मरने से पहले थोड़ी सी भगवान का नाम ले लेंगे। बोले नहीं, कितना कल कर सो आज करो, और आज कर सो अब। भजन करने के लिए विलंब नहीं करनी चाहिए। इसलिए प्रह्लाद महाराज बच्चों को शिक्षा देते हैं, बोले बच्चों कौमार आचरित प्राज्ञम, जो बुद्धिमान होते हैं उनको 5 साल उम्र से भगवान की भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। कितने साल उम्र से, कितने साल उम्र से, 5 साल उम्र से वो कहते भजन शुरू कर देनी चाहिए। तो बच्चों को जब ज्ञान की बात बता रहे थे भजन की, बच्चों ने कहा प्रहलाद 5 साल से क्यों भजन करेंगे, 5 साल से क्यों भजन करेंगे, जब बड़े हो जाएंगे भक्ति करेंगे। देखो प्रहलाद क्या कहते हैं, बोले तुम्हारे पास में कोई गारंटी कार्ड है, हमारे पास में कोई गारंटी कार्ड है क्या, इतना दिन तक जिंदा रहेंगे, कोई बता सकता है इतना दिन तक जिंदा रहेंगे, कोई गारंटी कार्ड नहीं। एक बच्चे ने कहा क्यों, अगर इसी जीवन में भजन नहीं हो पर भजन हम अगली जीवन में करेंगे। देखो प्रहलाद क्या कहते हैं, बोले दुर्लभ मनुष्य जन्मम, बोले बच्चों ये जो मानव शरीर है ना, ये बारंबार ठाकुर जी नहीं देते हैं, ये तो 84 लाख जन्म को बाद में एक बार केवल ये मानव शरीर मिलता है, बारंबार नहीं मिलता है। इसलिए भगवान राम कहते हैं, बोले बड़े भाग मानो सतन पावा, बड़े भाग बड़े भाग I'm not afraid.
इसलिए भगवान राम कहते हैं अयोध्या वासियों कि जो मानव शरीर है, मानव शरीर क्या है, बोले सुर दुर्लभ, मतलब देवताओं के लिए भी ये मानव शरीर, यार भारत में और हिंदू परिवार में जन्म लेना इतने आसानी बात नहीं, और विशेष करके उत्तरांचल में जन्म लेना ये तो बड़े भाग्य से मिलता है, क्योंकि जो उत्तरांचल है ना ये देवभूमि है। उत्तरांचल क्या है, ये ऋषि मुनियों की स्थान है। बड़े भाग्य से समझो हमें ये उत्तरांचल में जन्म ठाकुर जी बड़े भाग्य से दिया है, ठीक है ना। इसलिए ये शरीर बारंबार नहीं मिलेगा, भगवान बड़े भाग्य से जीवन दिया है। हाँ देखो, जब उन्होंने संत ने राजा को ये बात समझाया ना, बोले महाराज आप चिंता मत करो, आप सोच रहे थे 7 दिन बाद में मर जाओगे ना, चिंता मत करो 7 दिन बाद में मरने वाले नहीं, ये दिन 7 है, जब मरोगे इसका एक दिन ना एक दिन 7 दिन के अंदर में मरोगे। राजा सुनते ही तो उसका प्राण दोबारा आ गया शरीर में, उसको दो बार प्राण आ गया। हाँ मेरे तरफ में देखो, इधर देखो सबके सब, वो जो संत थे ना राजा को ऐसे के माला और झोली पकड़वा रहे, बोले महाराज संसार का जितनी कमाई धमाई कर रहे हो एक सुई धागा यहां से जाएगा नहीं, क्या जाएगा साथ में, भगवान के नाम जाएगा, लो ये माला पकड़ो। वो राजा का जीवन ही बदल गया, बोले बाबा आप तो मेरे को बहुत बड़ी एक ज्ञान दी है, मैं आज से प्रतिज्ञा करता हूं आज से रोज रोज ये भगवान के नाम जप करूंगा। बोले सवेरे काम में जाने से पहले कुछ माला करके ही काम में जाना, जब कोई काम करो ठाकुर को सेवा मान कर करो, क्या मान कर करो, ठाकुर जी की सेवा मान कर करो, और हाथों में काम और मुंह में नाम। बोलो क्या करना, हाथों में काम और मुंह में नाम, बस हो गया। और क्या, और जब घर में वापस आओ क्या करना, अरे कुछ प्रभु का नाम जप करना, क्योंकि यही धन ही साथ में जाने वाला है। इसलिए मीरा कहती है जिन जिन ने यह मोती लूटे वो सब माला माल हुए, और माया के जो बने पुजारी केवल दुनिया की पैसा 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 करते करते मर गए, तो आखिरी वो कंगाल हुए, आखिर वो कंगाल हुए। इसलिए हमें कंगाल नहीं बनना है, हमें क्या बनना है, हमें धनी बनने का, किस चीज में, भगवान के नाम के धनी बनना। बोले कौन कौन धनी बने, बोले तुलसी मीरा और नरसिंहा। देखो गोस्वामी का तुलसी का नाम अमर हो गया, मीरा का नाम अमर हो गई, हमारा तो हमारी मैया की मैया मैया हुई, उनका नाम कोई ले रहे हैं, हमारी मैया की मैया की मैया हमारा कोई नाम ले रहा है कोई, लेकिन मीरा के नाम देखो अमर हो गया। लेकिन हम क्या चाहते हो जानते हो, हम तो अपना बेटा बेटियों को बॉलीवुड में ना हम तो हीरो हीरोइन बनाएंगे, क्या बनाओगे बॉलीवुड में, क्या बनाओगे, हीरो हीरोइन ही हम बनाएंगे। आप बताओ 20 साल पहले जो हीरो हीरोइन थे, अभी दुनिया में वो हीरो हीरोइन का कोई नाम ले रहे हो, बताओ 20 साल पहले जो थे अभी उनका कोई नाम क्या ले रहा है दुनिया में, कोई दुनिया में नाम ले रहे हैं। लेकिन देखो हनुमान जी का नाम देखो, तुलसीदास जी का नाम देखो, ध्रुव जी का नाम देखो, तुलसीदास का नाम अमर हो गया ना। इसलिए हमारे शास्त्र कहता है अगर नाम कमाना चाहते हैं ना, केवल भगवान की भक्त बन करके नाम कमाओ, अगर भगवान की भक्त बन गए ना जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक तेरी पूजा होती रहेगी, तब तक तुम्हारी पूजा होती रहेगी। इसलिए अगर जगत में जस बनना चाहते हो भगवान के नाम लेकर के, एक बार हाथ उठाओ सबके सब, बोलो बोलो हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार बोलो सबके सब जोर से हरे कृष्ण कृष्ण जोर जोर से हरे 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 राम हरे राम 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 हरे।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए श्री परीक्षित महाराज ऋषि समाज को प्रश्न करते हैं, लेकिन सब ऋषि अलग अलग उत्तर दे रहे थे। इतने में श्री परीक्षित महाराज ठाकुर जी की चरण में शरणागत हो गए। बोले हे प्रभु, आप मुझे गर्भ में ही आप ही ने मेरे को रक्षा की थी। अभी मेरे में मन में एक ही इच्छा है, आपकी कथा सुनते सुनते मैं अपना जीवन को बिताना चाहता हूँ। जब शरणागत हो गए ना, भगवान स्वयं मानो श्री सुखदेव गोस्वामी रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोले श्री सुखदेव महाराज की। कभी हंस रहे थे, कभी रो रहे थे, कभी हैं कृष्ण प्रेम में, कभी लव फोट उठा रहे थे। जब उन्होंने ऋषि समाज में प्रवेश की, सबको उन्होंने सम्मान दे करके, क्योंकि उनको पिताजी के पिताजी के पिताजी भी वहां बैठे हुए थे, उन्होंने सबको सम्मान दे करके उन्होंने व्यास गद्दी पर बैठ गए। तब श्री परीक्षित महाराज ने प्रश्न की झरी लगा दी। बोले अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यत् कर्तव्य म्रियमाणस्य सर्वथा। बोले हे श्री सुखदेव गोस्वामी, आप कृपा करके बताओ म्रियमाणस्य सर्वथा। जगत में जो जीव है सबके सब मरणशील जीव है, इसलिए मरणशील जीव का क्या कर्तव्य है? जगत में ऐसे क्या वस्तु है जिसको पाने का बाद जीव को और कोई चीज पाने की इच्छा नहीं रह जाए, उसको ये लगे जीवन में हमें सब कुछ मिल गया। देखो इनका प्रश्न क्या है, जीवन में ऐसे क्या वस्तु जिसको पाने पर जीव को ये लगे जीवन में सब मिल गया। लेकिन ये दुनिया देखो, किसको पूछो आप तृप्त हो? एक मकान बन गया, सोचता है दूसरा मकान कैसे बनाए। एक गाड़ी बन गई, दूसरे गाड़ी कैसे बनाए। एक फैक्ट्री हो गया, दूसरा फैक्ट्री कैसे बनाए। भारत का सबसे ज्यादा पैसा वाला हो गया, वो सोचता है ये पृथ्वी का सबसे ज्यादा पैसा वाला कब हो। इसलिए दुनिया में राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु के भारी। लेकिन तुलसीदास विचार करे हरि भजन बिना सब दुख भिखारी, हरि भजन बिना सब दुख भिखारी है। इसलिए इनका प्रश्न है ऐसे वस्तु क्या है जिसको पाने पर लगे जीवन में हमें सब कुछ मिल गया जगत में और कुछ बाकी नहीं रह गया, क्या कर्तव्य क्या अकर्तव्य। ये प्रश्न सुन करके सुत गोस्वामी बड़े प्रसन्न हो गए। बोले वाह, तुमने कितने सुंदर तुमने प्रश्न किया है। जो प्रश्न को आत्मा में रमण करने वाले योगी लोग भी जो प्रश्न को आदर करेंगे, तो उन्होंने इसका उत्तर देते हैं। कथे श्री परीक्षित महाराज, कथी जो मानव शरीर है ये बड़ा दुर्लभ शरीर है। भगवान ये मानव शरीर हमें बारंबार नहीं देते हैं, लेकिन हम मानव शरीर पाकर करते हैं क्या? बोले दिन में दो काम करते हैं और रात को दो काम करते हैं। बोले दिन में क्या दो काम करते हैं? बोले पैसा कमाओ और उसी पैसा से ये परिवार को मेंटेनेंस करो। बोले रात को दो काम किया? बोले सो विश्राम और अपना विषय भोग, बच्चों को जन्म देना। केवल ये जीवन पा करके ये चार ही काम करके ये मानव शरीर को हम नष्ट कर देते हैं। लेकिन हे परीक्षित महाराज, ये जो चार काम है ना, ये एक जानवर भी ये चार काम को करता है। ऐसे कोई जानवर नहीं जो कि खाता नहीं, पीता नहीं और बच्चों को जन्म नहीं देता, वो भी ये चार काम करके जीवन को बिताता है। लेकिन अगर अच्छे तरह से हम विचार करें ना, हम देखेंगे कि जानवर हमसे बड़े हैं। बोले कैसे? देखो ध्यान देकर सुना, हमारे गुरु जी ये कथा सुनाया करते थे। बोले एक समय कोई एक जज जा रहा था, देखा रास्ता में एक सुअर लेटा हुआ, वो बूट पहना था, वो बूट से सुअर को बड़े जोर से मारा। सुअर ने कहा भैया मेरे को क्यों मार रहे? बोले तू सुअर है। सुअर ने पूछा तू कौन है? बोले दिख नहीं रहा है, मैं जज हूं। देखो सुअर क्या प्रश्न करता है। बोले ये बताओ
तुम हमसे किस चीज में बड़े हो? जज ने कहा बताओ, पूछो। देखो सूअर का पहला प्रश्न है, तुम्हारी कितने बीवी है? जज ने कहा मेरे एक बीवी है। वो सूअर कहता है देखो ये जो 15-20 सूअर नहीं है ना, उस लेट हुए, ये सब के सब मेरे बीवी है। तुम तो एक बीवी को साथ में रह रहे हो, मेरी इतने सारे बीवी, इनको साथ में भी विषय भोग करता हूं। उसका दूसरा प्रश्न है, बोले जिंदगी में कितने बच्चों को तुमने जन्म दिए हो? 2, 4, 8, 10, इससे तो ज्यादा बच्चे जन्म नहीं देते हैं। सुअर कहता है 6 महीना में एक बार मैं बच्चा जन्म देता हूं, 1 दर्जन से कम नहीं, 12 से कम नहीं, कभी कभी 15-15, 20-20 हो जाता हूं। और साल में मैं 2 बार में बच्चे जन्म देता हूं, बोले इसी विषय में भी तू ही छोटा है। उसका तीसरा प्रश्न है, बोले तुम ये बताओ, ये बच्चों को तुमने होनहार बनाने के लिए, बच्चों को बड़ा बनाने के लिए कितना दिन तुमने लगाया है? आप लोगों बताओ कितना दिन लगता है? 20-25 साल में एक बच्चे को बड़ा बनाते हैं। जब तक एमए पीएचडी डॉक्टर नहीं बन जाता, जब तक उसका नौकरी नहीं लगा देते, जब तक हम उसको शादीशुदा नहीं कर लेते ना, तब तक हम सोचते हैं हमारी कर्तव्य पूरी नहीं हुई, कर्तव्य हमारी पूरी नहीं हुई। देखो उस सूअर क्या कहता है, कहते मैं 1 महीना में, बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा देखो जो पानी गिर रहा है ना उधर, कोई पात्र लाकर वहां रख लो, कोई पात्र रख लो, फिर वो पानी इधर नहीं आएगी। ले आओ कोई पात्र ला ला। हरे कृष्ण, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ देखो आज क्यों बारिश हो रही है हमको पता है, बताओ क्यों बारिश हो रही है? आज भगवान जन्म लेने वाले हैं। कहते अगर कथा में बारिश ही हो ना, जान तो इसका मतलब क्या है, क्या देवता लोग जो प्रसन्न होकर के फूल जो की बौछार करते हैं, ये बारिश होना मतलब है देवता लोग प्रसन्न होकर पुष्पों की बौछार कर रहे हैं। और भगवान कृष्ण जिस दिन जन्म लेते हैं, अगर बारिश हो रही थी ना, रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही थी, वसुदेव महाराज ले जा रहे थे उनको ऊपर अनंत देव छत्री है छत्री किए हुए थे, अगर बारिश हो गई समझना आपकी जो कथा है ना, ये कथा तुम्हारी सार्थकता हो गया। क्यों? देवता लोग प्रसन्न होकर के
पुष्प वृष्टि कर रहे, इसका मतलब है बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जहाँ जहाँ पानी गिरता है ना, तहाँ तक ये पात्र को वहां वहां से हरे कृष्ण। हाँ, इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, अगर हमने मानव शरीर पाया, केवल ये चार ही काम में अगर ये जीवन को बिता दिया, खाए पिए सोए बच्चे जन्म देकर बड़ा करके छोड़ दिया और जीवन में कुछ नहीं किया, तो समझो ये जीवन का बेकार है। लेकिन ये मानव शरीर में ऐसे के काम होता है जो और किसी जीवन में नहीं होता है। वो कौन सा काम है? बोले भगवान की भक्ति, भगवान की भजन, और किसी जीवन में नहीं होता है। इसीलिए ये मानव शरीर को इतने महत्व, इतने दुर्लभ जीवन बिताए। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित, ये जीवन पा करके क्या करनी चाहिए? तीन काम करनी चाहिए। बोले श्रोतव्य कृत तपस्य स्मर्तव्य इच्छता भयम्। अगर जीवन में अभय बना चाहते हो, भगवान की कथा सुनो, भगवान के नाम जप करो और भगवान की स्मरण करो, ये तीनों काम करो। लेकिन ये तीनों काम में सबसे श्रेष्ठ क्या है? बोले भगवान की कीर्तन। भगवान की कीर्तन कलयुग में सबसे बड़ा है, क्योंकि जब कीर्तन करते हैं ना, उसी समय मन हमारी इधर उधर भटकती नहीं, मन एकदम कीर्तन में ही डूब जाती है। इसलिए कलयुग में जितने साधन, सबसे जो श्रेष्ठ साधन है भगवान के नाम कीर्तन करना, ये सबसे बड़े साधन है। अभी सृष्टि का क्रम को वर्णना कर रहे हैं। सर्वप्रथम भगवान की जब इच्छा हुई ये सृष्टि बढ़े, भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा जी सृष्टि हुए। ब्रह्मा जी को भगवान ने निर्देश दिया, तुम ये सृष्टि का क्रम को बढ़ाओ। इसलिए ब्रह्मा सर्वप्रथम उन्होंने श्री चतुसन को सृष्टि करते हैं। चतुसन को जब आदेश दिए सृष्टि का क्रम बढ़ाओ, उन्होंने मना कर दिया। इतने में ब्रह्मा जी को क्रोध आया, तो उनको ललाट से श्री रुद्र देव प्रकट हुए। बोले श्री भोले बाबा की, उनको भी आदेश दिए। लेकिन शंकर जी जोगी जोगी महाजोग, वो तो प्रभु का भजन में मस्त रहने वाले, उनका भी इच्छा नहीं ये संसार में प्रवेश करना। बोले ऐसे काम करे, पिता अपने आप मना कर दे। उन्होंने भूत पिशाचों को सृष्टि करना प्रारंभ किया। ब्रह्मा बोले कोई सृष्टि है ये भूत पिशाच की सृष्टि? बंद करो। शंकर जी बोले भैया मैं तो यही चाह रहा था। इतने में बंद कर दिए। इतने में ब्रह्मा जी अपना परछाई से कर्दम ऋषि को प्रकट किए। फिर उन्होंने 10 संतान को सृष्टि किए। फिर उन्होंने अपना बाम और डाहन अंग से मनु और श्री शतरूपा को सृष्टि करते हैं। इनको आदेश दिए कि संसार का क्रम को तुम बढ़ाओ। यही सही, इससे पहले जो सृष्टि होती थी वो मानस की सृष्टि होती थी, वो मन से सृष्टि करते थे। लेकिन ये पति पत्नी का मिलन से जो सृष्टि है ये मनु महाराज से हुए हैं, इसलिए हमको ये मानव कहलाते हैं। मनु महाराज सर्वप्रथम उन्होंने 2 बेटे और 3 बेटियों को उन्होंने सृष्टि की, उत्थानपाद, प्रियव्रत, आकुति, देहूति और प्रसूति। ये 3 बेटियों को वो जन्म देते हैं। यहाँ पर माँ देहूति की कथा आती है। जब श्री कर्दम ऋषि कठोर तपस्या कर रहे थे, भगवान वहां पर दर्शन किए। बोले बेटा क्या चाहते हो? बोले प्रभु आपकी चरण में हमें अचला भक्ति चाहिए। बोले तथास्तु। बोले और क्या चाहते हो? बोले प्रभु मेरे मन में कोई तो संसार की वासना है नहीं, लेकिन आपकी इच्छा है ये सृष्टि का क्रम बढ़े, इसलिए आपकी इच्छा पूरी करने के लिए मैं संसार करूंगा। लेकिन ये 2 शर्त है। बोले बताओ। बोले पहला शर्त है, आप अगर मेरे बेटे बन कर के आओगे ना, फिर मैं शादी करूंगा। आप मेरे बेटे बनोगे? बोले बनूंगा। बोले दूसरा शर्त क्या? बोले तब तक ये संसार में रहूंगा जब तक संतान नहीं हो जाए, फिर मैं भजन करने के लिए चला जाऊंगा। बोले कोई बात नहीं। फिर माता देहूति को साथ में ये कर्दम ऋषि की शादी होती है।
शादी होने का बाद फिर करदम ऋषि भजन में बैठ गए और माता देवती बड़ी पति व्रता धर्म को साथ में पति की उन्होंने सेवा की, ऐसे सेवा की। पति खाना नहीं खा रहे हैं, माता देवती भी खाना नहीं खा रही है, हैं? जब उनकी आंख खुली 10,000 साल के बाद में देखे माता देवती एकदम उनकी केस जटाजुट हो गई, एकदम शरीर रुगना शरीर हो गई। देवती इतने सुंदर थी, ये आकृति देवती प्रसूति जब अपना आंगन में खेलती थी, स्वर्ग का देवता लोग भी जिनकी सुंदरता को देख करके वो भी बेहोश हो जाते थे, इतने सुंदर थी। लेकिन उन्होंने अपना पति व्रता धर्म को साथ में पति की इतने सेवा की, एकदम हड्डी हड्डी रह गई। जब श्री करदम ऋषि की आंख खुली, देखा सामने की डोकली बैठी हुई, वो भी भूल गए हमने कभी शादी की थी। उन्होंने पूछा तुम कौन हो, बोले आपने भूल गए हो कभी शादी किया था, कभी शादी किया था भूल गए हो, बोलो तू वही देवती इतने सुंदर जो थी और एकदम बुरी बन गई। देखो यहाँ पर माता देवती जितने माताओं को कुछ अच्छी शिक्षा देती है, ध्यान देकर सुनो, जितने माता है वो पहले शिक्षा देती हैं पति भजन में बैठे हुए। पत्नी का धर्म क्या, पति की सेवा करना। पति भोजन नहीं कर रहे हैं, जब पति भोजन नहीं कर रहे हैं फिर पत्नी भोजन कैसे कर सकती है। इसलिए नियम है, ऐसे नहीं खुद खाना बनाया बच्चों को खिलाए बगैर, पति को खिलाए बगैर स्वयं चट कर दिया, नहीं, ये पतिव्रता धर्म के लिए ये हानिकारक है। और दूसरी चीज है, जब पति नहीं हो स्त्रियों को श्रृंगार करना नहीं चाहिए पति भजन में। इसलिए आप देखे होंगे हमारे जो भारतीय जो सभ्यता थी, स्त्रियां सवेरे कोई श्रृंगार नहीं करती थी, वो शाम को श्रृंगार करती थी। क्यों जानती हो, पति काम में गए हुए, पति काम में गई हुए, श्रृंगार किसको दिखाएगी, श्रृंगार क्यों करती है, पति के लिए करती है ना। इसलिए अक्सर करके माताएं जो श्रृंगार करते थे शाम को, क्यों, पति शाम को काम करते हुए शाम को पति आएंगे। इसलिए नियम है अगर पति नहीं श्रृंगार करना स्त्रियों को शोभा नहीं देता है। और जो लड़कियां शादी अभी नहीं हुई है उनके लिए भी मना की है, ज्यादा श्रृंगार करने का कोई तुम्हारी जरूरत नहीं। क्यों, हमारे भारतीय माताएं क्यों श्रृंगार करती हैं, केवल पति को ही दिखाने के लिए, किसी पर पुरुष को दिखाने के लिए श्रृंगार करना उचित नहीं। इसलिए पति भजन में बैठे हुए और ये श्रृंगार करके किसको दिखाई, इसलिए उसने श्रृंगार नहीं की। इसलिए जब करदम ऋषि की आंख खुली देखी, वो देखी डोकरी सामने बैठी हुई, केस जटा हो गई, क्यों, वो श्रृंगार करती नहीं। देखो पति सेवा की कितने महत्व है, ये चीज को भी देख लो। करदम ऋषि पूछा तुम्हें क्या चाहिए, बोले शादी क्यों किया था, भगवान से बोले थे ना आप बेटे बनकर क्या होगे, बोले ठीक है जाओ ये बिंदु सरोवर में स्नान कर। जब स्नान की वो पहले जितने सुंदर थी ना उससे और सुंदरी बनकर के निकली, 1,000 दास दासियां वहां प्रकट हुई और उन्होंने एक कामक विमान सृष्टि की। देखो पहले का जो साइंस है अभी का साइंस बहुत एडवांस था। वो विमान का नाम क्या है, कामक, मतलब कोई पेट्रोल और डीजल की जरूरत नहीं, जैसे इच्छा करोगे ऐसे उड़ेगा। और कितना बड़ा बताया, कितना योजन तक, जिसमें राज हरे कृष्ण, जिसमें बड़े सुंदर राजमहल बना हुआ था, सुंदर सरोवर बनी हुई, जहां पर 4 तरह का कमल खिल रहे हैं, जहां राज हंस जहां पर विहार कर रहे हैं, फल फूल से भरा हुआ अपूर्व है। वो विमान को वर्णना करते हैं, अगर वो विमान में बैठोगे ना तुम्हें भूख भी नहीं लगेगी, तुम्हें प्यास भी नहीं लगेगी, और वो विमान में जो बैठेगा वो कभी भी बूढ़ा, वो कभी भी बूढ़ी नहीं होगी। अभी कोई विमान ऐसे निकला है, मतलब पहले जो साइंस है वो इतने एडवांस जो सोच नहीं सकते। रावण का देखा ना पुष्पक विमान, जैसे इच्छा करो वैसे उड़ती है। जब भगवान राम आए लंका से अयोध्या, वहां वर्णना आती है, उसमें बहुत सारी फ्लोर थी, लाख करोड़ बंदर बैठी करके, और जितने
सबके सब उसमें बैठ करके लगता से ये अयोध्या वापस आए हैं। वो कभी क्रश नहीं होता था, कभी एक्सीडेंट नहीं होती थी, इसलिए पहले का साइंस बहुत एडवांस था। अभी उसमें बैठ करके कर्दम ऋषि पत्नी को साथ में आकाश में बिहार किए, बड़े सुंदर उनको नाटो बेटी हुई। कर्दम ऋषि बोले अभी तो खुश हो गए ना ना बेटी, बोले नहीं बेटियां तो शादी होकर के अपना अपना ससुर घर चली जाएगी, अभी मेरे पास में कौन रहेगी, रहेगा कौन। भगवान बोले थे ना बेटे बनेंगे, फिर माता देहूती सेवा की, फिर भगवत इच्छा से भगवान स्वयं कपिल रूप में भगवान आते हैं। बोले श्री कपिल भगवान की, बोले श्री कपिल भगवान की। अभी घर में नाना बेटी, पिता का पहला कर्तव्य क्या है, प्रभु जी क्या करें, अभी बाद में कर लेना, अरे अभी जरूरत नहीं, अभी क्या जरूरत, क्या जरूरत नहीं, बाद में जब होगा सब अपने आप हो जाएगा। जिस समय बामन भगवान आएंगे ना तब अपने आप हो जाएगा। अब बैठ जाए, अब कथा समय बैठी गई, इसलिए अभी घर में नाना बेटी आ गई। घर में बेटी आई तो पिता का क्या कर्तव्य है बताओ, सबसे पहले पिता का कर्तव्य है बेटी को शादी दो, पहले बेटियों की शादी करवाओ। घर में कितना बेटी है, घर में बेटियों को शादी देते हो ना, देना एक बेटी को शादी दो ना घर खाली हो जाते। लेकिन घर में कितना बेटियां अभी है, नौ बेटियां। देखो यहाँ एक शिक्षा देते हैं, अगर आपकी हृदय में प्रभु की भक्ति करने की इच्छा हो, ठाकुर जी सब कुछ कर लेते हैं, कहते हैं ना करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, और तेरी कृपा से सब काम मेरी हो रहा है, भगवान की कृपा से सब काम हो जाती है। एक दिन ब्रह्मा जी अपना नौ बेटों को लेकर के बेटे के पास में आते हैं, यहाँ पर नौ बेटी और उनका नौ बेटे, देखा जोड़ी तो बड़ी प्यारी है। बोले भैया शुभम शीघ्रम, शुभ कार्य को जल्दी जल्दी कर दो, एक साथ में नौ बेटियों को नौ बेटे को साथ में शादी करा दिया और घर खाली है। घर में कितने लोग रह गए, तीन। अभी कर्दम ऋषि भजन करने के लिए जा रहा है। हाँ देखो यहाँ एक बहुत अच्छा प्रश्न होता है, बोले भैया तू भजन के लिए क्यों जा रहे हो, बोले भगवान को पाने के लिए, बोले भगवान तो तेरे घर में बैठे, भगवान बेटे रूप में घर में ना, पर तू भगवान को भजने के लिए क्यों जा रहे हो। हाँ यहाँ पर एक बहुत अच्छी शिक्षा दिया, बोले जब तक हम साधन नहीं करेंगे, जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे ना, अगर भगवान आ भी गए हमारे उसमें कोई लाभ नहीं। उदाहरण दिया जैसे रावण, राम को देखा कि नहीं, देखा है, कोई लाभ हुआ है, बल्कि भगवान को विध्वंस किया, जगदम्बा जगत जननी माता सीता को उसने उठा कर ले गया, और मेघनाद ने भगवान को भी देखा, लक्ष्मण को पर में शक्ति शैल की प्रयोग की, और भगवान राम लक्ष्मण को उन्होंने नाग फांस बंधन में बांध दिया, बोले इनके हृदय क्यों परिवर्तन नहीं हुआ भगवान को देख करके। कंस ने कृष्ण को देखा कि नहीं, देखा है, लेकिन कुछ लाभ हुआ है उसका, कोई लाभ नहीं हुआ, बोले क्यों, क्योंकि उसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं। इसलिए जब तक भक्ति हृदय में नहीं आएगी, भगवान अभी हमारे सामने आ जाए ना, हमारे कुछ भी होने वाले नहीं, कोई भी लाभ होने वाले नहीं, क्यों, भक्ति हृदय में नहीं है। इसलिए केवल भगवान राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान केवल प्रेम में ही वशीभूत होते हैं, इसलिए साधन की जरूरत है। इसलिए भगवान रहते हुए भी कर्दम ऋषि भजन के लिए चले गए। जब चले गए अभी घर में बेटा और माँ, मैया को पता है बेटा मेरा भगवान है। एक दिन माता देहूती अपना बेटे को पास में हाथ जोड़ करके प्रश्न करती है, यहाँ शिक्षा देती है कि जो ज्ञान है ना वो ऐसे की चीज है, अगर बेटे को अंदर में अगर ज्ञान हो माता उससे भी ज्ञान लेनी चाहिए। ये नहीं सोचनी चाह रही मेरा बेटा ये क्या, हम घर के जोगी जोगो ना अन्य गांव के सीधा कहते हैं ना, नहीं, ये ज्ञान ऐसे की चीज है, उस जहां अगर ज्ञान हो ना वो व्यक्ति को पूज्य बना देता है। इसलिए एक दिन माता देवती अपना बेटे को सामने हाथ जोड़ करके प्रश्न करती, बोले बेटा तू तो भगवान हो, मैं स्त्री जाति हूँ, मेरा मन बहुत चंचल है, हमें ऐसे कुछ ज्ञान की बात बताओ जैसे मेरी बेड़ा पार हो जाए। तो भगवान अपना माँ को लक्ष्य करके हम सबको उन्हें शिक्षा दिया है, बोले माँ ये जो मन है यही मेन है,
हमारी 11 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, लेकिन इनका राजा कौन है? ये मन। मन ने बताया भैया चलो हमारे भैरव प्रभु विमला देवी घर में कथा हो रही है, चलो कथा सुन करके आते हैं। क्या हुआ? सारे इंद्रियां यहाँ पर कथा सुनने के लिए बैठ गए। अगर मन बोलता अरे क्या जरूरत है, टीवी खोलकर बैठ जाओ, आज बढ़िया सीरियल आ रहा है, आज घर में बैठो, क्या होता? पर आप क्या कथा में आते नहीं, पर घर में बैठकर सिनेमा, पर बहू बेटियों की बात करते। इसलिए हमारे जो गुरुजीत का जो गुरुजीत है ना, जिसने संपूर्ण पृथ्वी में ये सनातन धर्म को प्रचार किया, वो कहते थे सवेरे उठो और अपना जूती लो, अपना जूती लो और ये मन को 100 बार पीटो, 100 बार मारो। मतलब क्या? ये मन को समझाओ, मन आज सारा दिन प्रभु की भजन छोड़ करके, भक्ति छोड़ करके गंदे चीज में मत जाना, उल्टा पुल्टा चीज में मत जाना। हाँ, वो संत कहते थे। इसलिए बोले माँ जब यही मन को हम भगवान के चरण में लगाएंगे, ये मन मुक्ति की कारण बनेगी। यही मन को जब हम विषय में लगा देंगे, फिर ये बंधन का कारण बन जाएगा। इसलिए माँ ये मन को कितना संतन के संग लाए, संतन के संग लाए तेरी अच्छी बनेगी, बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। I'm not sick.
संतों का संग करना। अरे भैया प्रश्न करती है, बोले भैया संतों का थोड़ी बहुत कुछ लक्षण भी तो होनी चाहिए ना, केवल चोले पहनने वाले को हम संत मान दे। देखो इधर देखो, ध्यान देख ले, उधर उधर मत देखा करो। इसलिए उन्होंने प्रश्न करते हैं, क्या चोले पहनने पर संत हो जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर स्वयं भगवान की माँ वो एक एक बात को पूछ लेती है। बोले क्यों, कभी कभी हम संत रूप में असंत को संत बोल देते हैं, और बाद में थोड़ा इधर उधर हो ना, फिर हम अंगुल उठाना शुरू कर देते हैं, अरे ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया। इसलिए यहाँ पर इसलिए माँ ने अपना बेटे से, इस भगवान से सारे बात को पूछ लेती है। बोले भैया संतों का लक्षण क्या है? बोले तिथि सब कारुणिक श्रोहित सर्वदेना अजात सत्र संता
साधु भी साधु भूषण। संत का पहला लक्षण है तितिक्षव। तितिक्षव मतलब होता है सहन शक्ति। इसलिए एक बंगला में कहावत है, जो सहे सो रहे। अब जो ना सहे वो ना सहे, समझ रहे हो। संसार में भी देखा, संत जीवन में अगर थोड़ी थोड़ी बात में मचले जाओगे, क्रोध आ जाए, फिर संसार ठीक से चलेगा? कभी वो चल ही नहीं सकता है। इसलिए सहन करना पहले सीखो। हाँ देखो, एक संत थे जिनका नाम था थुकारा। इनके मन में कभी भी क्रोध नहीं आए। एक दिन वो गांव के लोगों ने सोचा, आज ये संतों को क्रोध दिला के नहीं छोड़ेंगे। अभी वो संत गए स्नान करने के लिए गंगा में, वो पहले ही एक टोकरी कचड़ा रख दिया, बोले आज सीधा उसको सर पर डाल देंगे। जब वो आया स्नान करके, सीधा उसको सर पर डाल दिया। उसने कुछ भी नहीं कहा, गंगा में स्नान करने गया। फिर जब दो बार आए, दो बार डाल दिया। उन्होंने 100 बार उनको सर पर डाले, जब किसी तरह से क्रोध नहीं आए, उनकी चरण में पड़ गए। बोले बाबा, हम तो सोच रहे थे आपको हम किसी तरह से क्रोध दिलाएंगे, हमने आपकी चरण में बड़े अपराध कर दिया। देखो संत क्या कहते हैं। बोले भैया, मैं तो सोच रहा हूँ तुम्हारा जैसे मित्र जगत में मेरी कोई नहीं होगा। बोले क्यों? बोले रोज मैं एक बार गंगा में स्नान करता था, लेकिन तुम्हारी वजह से आज मैंने 100 बार गंगा में नहा लिया। इसलिए तुम्हारी कितनी बड़ी कृपा है। इसलिए संतों का पहला लक्षण है सहन शक्ति। दूसरा लक्षण है, बोले संत हृदय न बनी ता समाना। संत हृदय न बनी ता समाना। कभी पर संतों का हृदय वो बड़ी दयालु बड़ी कृपालु होते हैं। ऐसे ही उनको 25 लक्षण बताया। हाँ देखो, ध्यान देख रहा विष्णु, कहते संतों का एक विशेष लक्षण है। कहते वो क्या लक्षण है, मन देख रहे लग सुना। भगवान खुद कहते हैं, बोले मई अनन्न भावेन भक्ति कुर्बन तेज दृढ़। भगवान कहते हैं उनका एक लक्षण है, मई अनन्न भावेना, वो अनन्न रूप में मेरी उपासना करती है। अनन्न भक्ति होनी चाहिए। अगर बहुनिष्ठ होएगा ना, जैसे कोई एक बच्चा पढ़ता है, अगर सीए करता है, अगर केवल सीए करेगा तो सक्सेसफुल हो सकता है। अगर सोचेगा थोड़ा उसमें साइंस ही पढ़ लू, उसमें थोड़ा इंजीनियरिंग पढ़ लू, देखना बीच में फेल हो जाएगा। इसलिए भक्ति हमारी एक निष्ठ भक्ति होनी चाहिए। भगवान कहते हैं बहुनिष्ठ व्यक्तियों का सीधे नहीं मिलती। देखो एक समय एक हिंदू एक मुसलमान में लड़ाई हो गई। मुसलमान ने कहा मेरा अल्लाह बड़ा, हिंदू कहा मेरे भगवान बड़ा। बोले परीक्षा कैसे चलेगा? बोले चलो एक पेड़ के ऊपर चलते, अपना अपना भगवान का नाम लेकर हम कूदेंगे, अगर जो बच जाएगा समझेगा उसका ठाकुर बड़ा। अभी पहले मुसलमान गया, वो तो एक अल्लाह को मानता है। बोले हे अल्लाह, अगर तू सच्चा है, तेरे नाम को लेकर मैं कूद रहा हूं, तू मेरे को बचाना। उसे छलांग लगा, तुझे कुछ नहीं हुआ। हिंदू चढ़ा, इसका तो एक निष्ठ है ही नहीं, बहुनिष्ठ है। पहले सोचा, पहले किसको स्मरण करो? बोले पहले सिद्धिदाता गणेश जी को, विघ्न विनाशन। हे विघ्न विनाशन गणेश, तुम बचाओ। इतने में गणेश जी आए। इसने बोला अगर वो नहीं आए तो उसको मैया को भी तेरे बुला ले। हे माता जी, हे माता जी, तेरे नाम ले रहा। पहले तो आए थे गणेश जी रक्षा करने के लिए, देखा मेरे को बुलाया, मैं आया रक्षा करने के लिए, ये तो फिर मेरे मेरे मैया को, फिर गणेश जी चले। फिर सोचा थोड़ा भोले बाबा को क्यों याद नहीं कर दो। बोले हे भोले बाबा, और रक्षा करने के लिए। मैया बोली मेरे को बुलाया, मैंने आया भी बोले। उसने एक एक कर ना, क्योंकि एक निष्ठ है नहीं ना, बहुनिष्ठ है। लास्ट में कुदे तो हाथ बेहद टूट गया। हाँ ये चीज को सुनिए, भगवान खुद कह रही है बात को। मई अनन्न भावे न भक्ति कुर्बंत ये दृढ़ा।
दृढ़ पूर्वक मेरी भक्ति, जैसे हनुमान जी है। देखो हनुमान जी किसको भक्ति करते थे? राम को, एक अनिष्ठ राम भक्ति। गोपियां किसको भक्ति करती थी? इसलिए जब उद्धव जी ब्रज में आए और उन्होंने उपदेश दिया ध्यान कर, गोपियां क्या कहती हैं? कहते उद्धव मन ना भयो दस बीस, एक मन सो गए श्याम संगे को आराध ईस। मन दस बीस नहीं है, मन एक ही है, वो एक मन को एक व्यक्ति को दे सकते, ज्यादा तो लोग को नहीं दे सकते हो। कहते एक मन तो कन्हैया को साथ में गया, तू कहे तो ध्यान करने के लिए, ध्यान तो मन से होता है, मन तो हमारी है ही नहीं, तो ध्यान कैसे करेंगे? मीरा क्या कहती है? मेरे तो गिरिधर गोपाला, उसके बाद में बोलो। हाँ, ये चीज को समझो, सभी को सम्मान दो, किसी को असम्मान मत करो, सभी को सम्मान दो, लेकिन हृदय में ये जो भक्ति है ना, बोले देखो ये भागवत का श्लोक है, ये भगवान स्वयं कहते हैं, बोले वश्य कुर्वन्ति मां भक्त्या सत पत्नी सत पति यथा। जैसे एक पतिव्रता नारी वो पति की सेवा करते 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 उसको वशीभूत कर देते हैं, भगवान कहे तो उसी तरह मेरे जो भक्त मेरी इतने सेवा करते हैं, मेरे को सेवा करते करते वशीभूत कर देती है। भक्ति एक पतिव्रता नारी की धर्म है, पतिव्रता नारी से पतिव्रता किसको कहेंगे? जो केवल एक पति को ही तन मन धन से, एक पति को चरण में मन, तभी तो पतिव्रता कहेंगे। भक्ति पतिव्रता नारी की धर्म है। जितने आप उदाहरण ले लो, जितने भक्तों का चरित्र को पढ़ लो, एक उपासना, एक उपासना। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं एक साधे सब साधे और सब साधे सब जाए, सब साधे सब जाए, सब जाए आत्मा। हाँ, अभी प्रश्न है फिर किसको साधन करनी चाहिए? कोई देवादेवी को? बोले नहीं, देवादेवी को नहीं, तीन व्यक्ति को आप साधन कर सकते हो केवल। एक है भगवान कृष्ण, भगवान विराट, कल बता रहे थे ना भगवान विराट उन्होंने दिखाया, अर्जुन देख मैं कौन हूँ, जिसको शंकर कहते हो देखो मेरे अंदर में, जिसको देवी कह रहे हो देखो मेरे अंदर में, जिसको तू हनुमान कहते हो मेरे अंदर में, जिसको गणेश कहते हो देखो मेरे अंदर में, जिसको इंद्र चंद्र वायु वरुण यहाँ तक भी भगवान दिखाए, मत्स्य कुर्म बराह नृसिंह बामन परशुराम राम बलराम बुद्ध कल्कि, ये सारे अवतारों को भी भगवान कृष्ण दिखाते, देखो मैं कौन हूँ। तो भगवान उदाहरण देते हैं, मई सर्वविदम प्रोक्तम सूत्रे मणिगणाई, भगवान उदाहरण दिया, जैसे फूलों की एक माला बनाते हैं, लेकिन ऊपर तक तो माला दिखती है, लेकिन उसमें मूल क्या है? धागा, वो धागा है, इसलिए एक एक फूल नहीं तो एक एक मणि एक माला बनी हुई, धागा को तोड़ दो सब टूट जाएगी। भगवान कहते हो धागा रूप में मैं हूं, ये विश्व ब्रह्मांड मेरे अंदर में, इसलिए कृष्ण कहते हैं जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब इसी जगत में अधर्म होने लगता है, मैंने कभी राम रूप में, कभी मैंने नरसिंह रूप में, कभी बराह रूप में, मैं ही अवतीर्ण होता हूँ और संतों को रक्षा करता हूँ, दुष्टों को भी विनाश करता हूँ। एक कृष्ण है और एक राम है और एक नारायण है। जो शुद्ध वैष्णव संप्रदाय होता है उसमें कहीं राम का मंत्र, नहीं तो कहीं कृष्ण का मंत्र, नहीं तो कहीं नारायण के मंत्र मिलती है। उनमें कोई एक को एक इष्ट मान करके भक्ति करनी चाहिए। सबको सम्मान दो, किसको असन्मान मत करो, सबको सम्मान दो, लेकिन हृदय में एक को बैठा, एक को भक्ति करो। इसलिए भगवान ये स्वयं ये श्लोक कह रहे हैं, माँ उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बात उन्होंने, भैया ये मन को भगवान के भजन में लगा दो, ये मुक्ति के कारण बन जाएगी। देखो फिर भगवान बहुत अच्छी बात बताए, बोले माँ अगर जी भगवान के भजन नहीं करता है, मरने पर उसको हम जो कर्म करते हैं, काय मन और वाक्य, ये तीनों में कर्म करते हैं, मरते समय तीन जमदूत आते हैं लेने के लिए, और जब ले जाते हैं रास्ता में कुत्ते सियार काट काट कर खाते हैं, फिर उसको एक बैतरण नदी पार होना पड़ता है। आप लोग गरुड़ पुराण सुनते होंगे मरने का बाद, उसमें ये सारी वर्णन आती है। वो जो बैतरण नदी वो टाटी पेशाब पीक और खून का होता है, हम 13 दिन बाद में शुद्ध होते हैं। बोले क्यों? बोले ये बैतरण नदी पार करने के लिए उसको 13 दिन लग जाती है, ऊपर में कोड़े मारते रहते हैं, इसलिए कभी कभी हम बोलते हैं उनका नाम पर गैया दान दे दो, वो गैया को पूछ को पकड़ते हुए जल्दी जल्दी उधार हो जाए, हैं?
फिर बैतरणी नदी पार होना पड़ता, फिर जा करके जब महाराज पूछते हैं इसका कापी खोलो, इसने कितने पाप और पुण्य किया है। चित्रगुप्त सारे कापी में लिख करके रखते हैं, हैं? इसने कितने पाप और कितने पुण्य किया। फिर उसको 84 जो नरक में उसको फिर दंड भुगतना पड़ता है। बोले किसको? देखो आप पंचम स्कंध में कथा आती है, जो मांस मछली खाते हैं, जैसे जिसको जैसे तेल में उसको कढ़ाई में उसको छोंकते हैं, मरने का बाद उसको भी जिंदा जिंदा उसको एकदम जलते हुए खौलते हुए तेल में पकौड़ा जैसे छोंक देते हैं। जो जानवर को मार कर खाते हैं उसको करत में जिंदा उसको काटते हैं। ये आंखों में जो गंदी गंदी मूवी देखते हैं उसको आंख निकाल देते हैं। ये हाथ में जो तराज में हेर फेर करते हैं उसको, अब पंचम स्कंध में ये सारी वर्णना की है। जैसे जैसे कर्म करते हैं उसको वैसे ही फल भुगतना पड़ता है। जब फल भोग ले फिर उसके बाद में उसको चंद्रलोक में भेज देते हैं। जब चंद्रलोक में भेजते हैं फिर वो चंद्र का किरण को दे करके किसी फल को वो आश्रय ग्रहण करता है। और कहते ना दाने दाने में खाने वालों का नाम लिखा हुआ है, दाने दाने में खाने वालों का नाम लिखा हुआ। कहते जिसको भाग्य में जो फल लिखा हुआ होगा वो वही फल ही खाएगा, दूसरा फल खा नहीं सकता है। देखो एक समय कोई आस्तिक था और एक नास्तिक था, दोनों में लड़ाई हो गई। जो आस्तिक था भगवान को मानता था, नास्तिक को बोला देखो दाने दाने में खाने वालों का नाम लिखा हुआ। जो नास्तिक था बोले मैं नहीं मानता हूं, अगर मैं कहीं जाकर चुपचाप बैठ जाऊंगा मेरे मुंह में कोई ठोस ठोस खिला देगा। जो भगवान को मानता था बोले देख अगर तेरे भाग्य में लिखा हुआ खाना है ना, भले ही तू जहां बैठना क्यों तेरे पास में खाना आ जाएगा। उसने भगवान से लड़ाई करके क्या किया, बोला आज मैं परीक्षा करके देखता हूं। एक नदी बह रही थी, जाकर के पेड़ था उसको पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया, बोले देखता हूं मेरे मुंह में आकर कौन खिलाता है। क्या हुआ एक समय दो पति पत्नी नदी में नहाने के लिए आए, घर से बड़े सुंदर प्योर घी का पूरी हलवा फूलगोभी आलू की सब्जी लेकर के आए, बोले हम स्नान करेंगे और यहाँ पर भोजन करेंगे। और जिस पेड़ के ऊपर वो बैठा हुआ था ना उनको पता ही नहीं था इसी पेड़ के ऊपर उसी पेड़ में उन्होंने लटका दिया। और जो स्नान कर रहे थे इतने में कोई जरूरी काम आ गया ना, कोई खबर दिया, वो खाना क्या खाएंगे भूल गए खाना, उसको छोड़ करके चले गए। वो ऊपर बैठ करके सारी चीज को देख रहा है, सारी चीज को देख रहा है। इतने में वो जंगल में कुछ डाकू लोग रहते थे, इतने में डाकू लोग घूमते घामते वहीं पर आए। एक डाकू ने कहा भैया पेट में तो बड़ी भूख लग रहा है, कोई खाने पीने का व्यवस्था हो जाए। इतने वो प्योर घी का हलवा पूरी सब्जी था उसकी खुशबू आ रही थी, बोले भैया यहाँ लगता है कोई बड़ी सुंदर प्योर घी की खुशबू आ रहा है। और देखते देखते देखा उसी पेड़ को नीचे बड़े सुंदर पोटली में बड़े सुंदर खाना, बोले देखो बड़े सुंदर खाना है। जब खाने के लिए जा रहा था ना और एक डाकू ने कहा बोले सावधान खबरदार मत खाना, यहाँ पर थोड़ी कोई सेठ साहूकार है और हम खाने के लिए दिया, लगता है उनको पता होगा किसको हम इस जंगल में रहते हैं और हमें मरवाने के लिए किसी ने इसमें जहर मिला करके ना यहाँ पर हम खाएंगे मरेंगे इसलिए लटका करे गए, देख जरूर आसपास में कोई होगा। बोले बात तो तू सही बता रहे हो, बोले देख सचमुच से ऐसे देखते देखते देखा उस पेड़ के ऊपर में वो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ। बोले मैं बता रहा था ना तेरे को विश्वास हुआ कि नहीं, बोले भैया तू तो हमको बचा दिया, ये जहर मिला करके मरवाने के लिए बैठा हुआ, बोले हमें मरवाओगे, उतर नीचे नीचे उतर अभी तेरे को दिखाते हैं। उसको जोर जबरदस्त उतरवाया, बोले खा, खा नहीं रहा तो मार थप्पड़ उसको, बोले हमें मरवाएगा खा इसका। वो दो व्यक्ति का खाना था और एक व्यक्ति को मार मार कर उसको दो व्यक्ति का खाना एक व्यक्ति को खिलाया, खिला कर बोले हमें मरवाएगा तू मर हम जा रहे। उसको व्यक्ति को इतना विश्वास हो गया ना, इतना इसको विश्वास हो गया, बोले भैया बात सही है, दाने दाने में खाने वालों का नाम लिखा हुआ, मैं कहां पेड़ के ऊपर चढ़ करके बैठा, पता नहीं ये दो पति पत्नी कहां से आए, ये डाकू कहां से आए, और मैं भगवान से लड़ाई किया ना पिछले दो व्यक्ति को खाना मेरे को मार मार कर दो व्यक्ति को खाने एक व्यक्ति को खिलाया। फिर वो एक भजन गाता है, वो कहता है अजगर ना करे चाकरी पंखी करे ना काम, दास मल्लुक कहे गए सबके दाता राम। वो लास्ट में वो मल्लुक बना, उसका नाम मल्लुक है, वो भजन को लिखे और लास्ट में इतने बड़े वो संत बने, इतने बड़े संत बने हैं
इसलिए दाने दाने में खाने वालों का नाम लिखा हुआ होता है कि भगवान कह रहे हैं। अभी वो जो जीव है वो एक फल को आश्रय करते हुए पुरुष को शरीर में जाता है और पुरुष का शरीर होते हुए स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है और प्रवेश करते करते वही जीव ही जब मातृ गर्भ में 7 महीना हो जाता है, हम पहले कथा सुन रहे थे, उसको 1000 जन्म की बात याद आता है। बोले माँ, मैया की पेट में आना और एक नरक में आना बराबर है। पेट में टाटी पेशाब खून पी को अंदर में उसको 9 महीना तक बिताना पड़ता है, बड़ा कष्ट उठाता है। 1000 जन्म की बात उसको याद आता, मैंने पूर्व जन्म में कितने गलत काम करके पैसा कमाया, सुख का समय में सारा दुनिया था, दुख का समय में कोई नहीं, इसलिए हे प्रभु मेरे को ये नरक से जल्दी निकालो। भगवान कहते हैं बताओ फिर क्या करोगे। बोले प्रभु मैं समझ गया ये संसार मतलब का संसार झूठा संसार है। बोलेगा ना आप कैसे हो। बोले जब तक जेब में पैसा हो, पैसा गन तुम कौन हो, तुम कौन हो, कैसे नहीं बोले तुम कौन हो, उसको ये बात एकदम अनुभूति होता है। बोले मेरे को नरक से निकालो, उठते बैठते सोते तेरे में नाम जप करूंगा। देखो भगवान क्या कहते हैं। बोले सही बोल रहे हो। बोले प्रभु एकदम सही बोलता हूँ। भगवान कहते अगर भूल जाओगे ना फिर मैं साधु संत रूप में आऊंगा, तेरे को याद दिलाऊंगा। भगवान से वायदा करके क्या इतना भजन करोगे ना, कितने समय टीवी देख रहे हो, कितने समय इधर उधर गप्पे में समय बिताते हो, मैं फिर याद दिलाऊंगा। बोले प्रभु अगर आप याद दिला दोगे ना फिर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ तेरा ही नाम जप करूंगा, तेरा ही भक्ति भजन करूंगा। हम यही बात प्रभु से वायदा करके आए थे, यही बात वायदा करके आए थे। लेकिन यहाँ आकर के अगर इसको बोले भैया माला लेकर के माला जप कर, बोले समय था, टीवी देखने के लिए समय, गप्पे मारने के लिए समय, शादी में जाने के लिए समय, सारे गंदे के लिए काम के लिए हम समय को निकाल देते हैं। लेकिन जब भजन की बात बताओ ना 1000 बहानाबाजी वहां पर। इसलिए भगवान कहते बोले माँ अगर जीव ये मानव शरीर पाकर के भजन नहीं करता है फिर उसको वही 84 लक्ष जन्मे गद्धे कुत्ते सुअर पेड़ पौधा बन करके फिर उसको जाना पड़ेगा, फिर 84 लक्ष जीवन भोगना पड़ेगा। कभी ये बेहतरीन नदी में किसको ले जाते हैं। बोले जो प्रभु की भजन नहीं करते, जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, जो उल्टा पुल्टा चीज खाते पीते हैं उनके लिए। लेकिन जो भगवान की भजन करते हैं उनको तो सीधा ठाकुर जी के पास है, भगवान के पास है। इसलिए माँ ये जीवन पा करके भगवान कहते हैं माँ अगर किसी शूद्र जाति में क्यों जन्म नहीं हो, अगर वो व्यक्ति भगवान की भक्ति करते हैं वो श्रेष्ठ है। लेकिन ब्राह्मण कुल में जन्म ग्रहण किया लेकिन भगवान की भक्ति से कोई मतलब नहीं, वो बेकार जीवन है। लेकिन अगर किसी कुल में क्यों जन्म नहीं हो, जो भगवान की भक्ति करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ। माँ मैया को बड़ी सुंदर सुंदर उपदेश दिए, फिर भगवान चले गए कहाँ, बोले गंगा सागर चले गए। पिछले साल में मकर संक्रांति का एक दिन में भगवान कपिल देव का घर दर्शन होता है। बोलो भगवान कपिल देव की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जब भगवान माता देहूत को ये ज्ञान की बात दी, उसको बाद में हर भागवत में कथा में आते हैं, श्री ध्रुव जी की कथा आती है, तो कथा तो बहुत ही आपको थोड़ी थोड़ी टच टच कर जल जाते हैं। आप ध्रुव जी का सबके सब नाम जानते हो, पिताजी का नाम उत्थान पाद, उनकी 2 पत्नी है, एक सुनुति और एक सुरुचि। बोले समझो हम सबके सब एक उत्थान पाद है। उत्थान पाद मतलब क्या, इसको प्यार ऊपर और सर नीचा। जब हम मैया की पेट में आते हैं हम सबका प्यार ऊंचा और सर नीचा रहता है, हम ही उत्थान पाते हैं। लेकिन हम सबका 2 पत्नी है, एक सुरुचि, सुरुचि मतलब क्या है, जिसकी विषय में रुचि है, एक सुनीति जिसको नीति उत्तम नीति है, जिसकी नीति उत्तम नीति है। कहते जो जीवन में उत्तम नीति को पालन करते हैं उसको बेटा कौन है, बोले ध्रुव। ध्रुव मतलब होता है सत्य नित्य है। और जो विषय में जिनकी रुचि है उसको बच्चा कौन है, बोले उत्तम। उत्तम मतलब क्या, उत्तम जिससे है। कहते जो जो गंदी चीज को जो जीवन में अपना है, जो विषय में जिनकी रुचि हो, लेकिन मानता तो जो करता है उल्टा पुल्टा सोचता है मैं कर रहे हूँ सही, लेकिन जो रिजल्ट है वो गंदी चीज। एक दिन
सुरुचि की बेटा उत्तम बैठा था पिताजी की गोद में, अभी इच्छा हुई थी ध्रुव जी की, लेकिन उसकी छोटी मैया ने बड़ी उनकी भर्त्सना की, बोले तभी पिताजी का गोद में तुम बैठ सकते हो, तुम ये शरीर छोड़ करके तपस्या करके मेरे गर्भ से जन्म करो। वो रो रो करके मैया के पास में गई, लेकिन मैया कौन है? सुनीति। मैया साधारण नहीं, अगर हम होते ना बोले तुमको दो चार बात क्यों नहीं सुना दिया, तुमने दो तीन बात क्यों नहीं सुना दी, ऐसे बात कैसे सुनकर कहा गई? नहीं, तू बड़ा बेटा है, तेरा तो अधिकार राजगति में बैठना, तू द्रोह आचरण करना शुरू कर दो। लेकिन माँ कौन है? सुनीति, उत्तम नीति। बोले बेटा तभी जो छोटी मैया ने एक अच्छी बात बताई, क्या अच्छी बात बताई? बोले भगवान की भजन करो, भगवान की भक्ति करो, जब तक ठाकुर की भक्ति नहीं करते ना बेटा, तब तक राज सिंहासन में कोई बैठ नहीं सकते हैं। तो भगवान की भक्ति करो, ये पिता कब तक रहेगा और ये राज्य कब तक रहेगा? इसलिए बेटा एक बार अगर कोई भगवान की गोद में बैठ जाए फिर तो उसको कभी उतरने का जरूरत नहीं। बोले माँ भगवान कैसे मिलेंगे? बोले बेटा उनको पाने के लिए कठोर तपस्या करना पड़ेगा, मैया की आशीर्वाद लेकर गए। देखो अगर मैया की आशीर्वाद हो ना, पिता माता की आशीर्वाद हो, जो असंभव वस्तु वो संभव हो जाता है। इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं, जैसे भगवान राम क्या करते हैं, प्रात उठई रघुनाथा मात पीत गुरु नमई माता। भगवान सवेरे उठ करके पहले क्या करते थे? पहले पिता माता की चरण छूते थे, उसके बाद में गुरु जी की चरण छूते थे। भगवान शिक्षा देते हैं सवेरे उठ करके हमें क्या करनी चाहिए, ऐसे नहीं गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग नहीं, और हाथ में हाथ मिलानी नहीं चाहिए। भगवान शिक्षा देते हैं पहले प्रणाम, प्रणाम तीन तरह का प्रणाम होता है, हाँ एक तो होता है नमस्कार, हमसे जो बड़े व्यक्ति को नमस्कार करो, लेकिन जो पिता माता को क्या करो, नमस्कार नहीं, पिता माता को क्या करो, उनकी चरण छुआ करो, पिता माता की चरण छुआ करो। और पिता माता अगर हृदय से अगर किसको आशीर्वाद देते हैं ना पिता माता, आप सोच नहीं सकते, ब्रह्मा को भी ललाट में अगर उल्टा पुल्टा कुछ हो, ब्रह्मा जी को भी उसका रेखा को बदलाना पड़ता है। माता पिता की आशीर्वाद इतना बड़ा पिता माता की आशीर्वाद है। इसलिए पिता माता की चरण में छुनी चाहिए सवेरे उठ करके। इसलिए उनने माँ की आशीर्वाद लिया, लेकर के भजन करने के लिए गए, इतने उत्कंठाया प्रभु को पाने के लिए, लेकिन अभी जीवन में उन्होंने गुरु ग्रहण नहीं किए। एक दिन भगवान वैकुंठ में नारायण बड़े चंचल हो रहे थे, माँ लक्ष्मी पूछा प्रभु आप इतने चंचल की, भले एक छोटा बालक मेरे को पाने के लिए कठोर तपस्या कर रहा है, कठोर तपस्या। बोले प्रभु जाओ दर्शन दे करके आओ। बोले लक्ष्मी अभी तक उसने गुरु ग्रहण नहीं किया है, इसलिए जब तक कोई गुरु ग्रहण नहीं करते, कहते हैं ना गुरु गोविंद दो खड़े का के लाग पाऊं, बलि हरि श्री गुरु जी जो गोविंद दिए बता। इसलिए ब्रह्मा शंकर जी के बराबर अगर कोई हो जाए, अगर गुरु ग्रहण नहीं करे, संसार से मुक्त हो ही नहीं सकते हैं। हाँ देखो एक चीज को समझो, कहते गुरु तो करनी चाहिए, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं गुरु कर जान के और पानी पियो छान के, ये भी एक बात आई, गुरु करनी चाहिए जहां तक हमें गुरु नहीं करनी चाहिए मना करते हैं। इसलिए भागवत का एकादश स्कंद में बताए गुरु जी का तीन लक्षण होनी चाहिए तभी वो गुरु जी बन सकते हैं। बोले क्या क्या है कि नमी नव जोगेंद्र संवाद में बोले तस्मात गुरु प्रपद्येत जिज्ञासो श्रेय उत्तमम साते परे जन स्नातम ब्रह्म निरूप समाश्रय। ये भागवत में बताए हाँ तीन गुण क्या होनी चाहिए। बोले पहला गुण होनी चाहिए वो सारे शास्त्र को जानकारी हो, क्योंकि अगर सारे शास्त्र को जानकारी नहीं होना, हमारी मन में अगर कोई प्रश्न हो फिर वो शंका को दूर नहीं कर सकते हैं। पहला गुण किया सारे शास्त्र जाननी चाहिए, कहते यही क्या सब कुछ? बोले नहीं, ये इसका बाहर का लक्षण। बोले अंतर लक्षण क्या है? बोले प्रभु की अनुभूति संपन्न भजन परायण होनी चाहिए, जो बोलते हैं ऐसे नहीं क्या दूसरों को केवल उपदेश देने के लिए तो बोल नहीं रहे ना, अपना जीवन में कुछ आचरण करते हैं, जो बोलते हैं वो चीज को अपना जीवन में आचरणशील होनी चाहिए, ये इनका मूल लक्षण है भजन परायण। और तीसरा लक्षण क्या?
बोले इसी संसार से ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि हम गुरु क्यों करते हैं, ये भवसागर से पार होने के लिए है ना। अगर गुरु, उदाहरण दिया जैसे दो व्यक्ति कुएं में गिरे हुए, एक व्यक्ति दूसरे को बोलता है हमें कुएं से निकालो, बोले भैया कुएं से कौन किसको निकालेगा, तुम दोनों ही तो कुएं में पड़े हुए हो। हाँ, अगर कुएं के ऊपर में कोई हो, अगर वो रस्सी फैले, हम उसको जोर से पकड़े, फिर वो व्यक्ति हमें कुएं से वो बाहर निकाल सकता है, वो हमें बाहर निकाल सकता है। इसलिए जो गुरु जी, ये होनी चाहिए माया से, ये ऊपर होनी चाहिए, तब भी हमें ये संसार से हमें निकाल सकते हैं। अगर हम जिस संसार में पड़े हुए, अगर हमारे गुरु जी भी उसी संसार में पड़े हुए, हम जैसे बीवी बच्चे दुनियादारी में हमें भी फंसे हुए, गुरु जी भी उसमें ही फंसे हुए हैं, फिर भैया कौन किसको निकालेगा, दोनों ही तो माया में फंसे हो ना। इससे कोई ऊपर होनी चाहिए, और ये होनी चाहिए कोई शुद्ध वैष्णव संप्रदाय होनी चाहिए। जब तो कोई वैष्णव संप्रदाय नहीं हो, शास्त्र कहता है संप्रदाय विहीना जे मंत्रस्ते विफला मता। अगर कोई वैष्णव संप्रदाय नहीं हो, अगर कोई मंत्र ग्रहण करता है तो उसका मंत्र निष्फल हो जाए। इसलिए अभी भगवान श्री नारद जी को याद किए, नारद जी आकर के प्रहलाद ध्रुव को बड़े परीक्षा करे, ठोक पीट करके उन्होंने परीक्षा करे, बोले ये कोई भजन का उम्र, घर में चले जाओ, तेरे पिताजी तेरे को ढूंढ रहे हैं। ध्रुव जी ने पूछा आप कौन हो, बोले मैं नारद हूँ। बोले लगता है आप नारद नहीं हो, लगता है कोई डुप्लीकेट नारद हो। बोले क्यों, बोले मैंने सुना है नारद सबको कहते भजन करो, आप कह रहे हो तुम घर में चले जाओ। अगर आप नारद हो फिर तो मेरे को पूर्ण विश्वास हो गया, भगवान हमें जरूर मिलेंगे। बोले क्यों, कारण क्या, बोले कारण है जब जीवन में शुद्ध साधु का दर्शन हो जाता है, जिसको विभीषण कहता है, आज मैं भा भरसा हनुमंता, बिनो हरि कृपा बिना मिले ही नहीं संता, जो रघुबीरी मोहे अनुग्रह दिनी तो मई दरस अट दिनी। जीवन में जब किसी साधु का दर्शन हो जाए, सही साधु, समझो भगवान हमें मिल गए। इसलिए ध्रुव जी ने कहा अगर सचमुच आप ध्रुव हो, मेरे को दृढ़ विश्वास हो गया प्रभु हमें मिलेंगे ही, केवल आप मंत्र प्रदान करो, देखो मैं क्या करता हूँ। नारद जी देखा भैया चला ऐसे होनी चाहिए, फिर उन्होंने उनको मंत्र प्रदान करते हैं, बोले ओम नमः भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमः भगवते वासुदेवाय। मथुरा में रोज जमुना में स्नान करना, और वहीं पर त्रिसंध्या भगवान की पूजा करते हुए भजन करना। पहला महीना में तो उसने केवल बेर को, तीन दिन अंदर में केवल बेर फल को खाकर भजन किया। दूसरे महीना में 6 दिन बाद में पेड़ से जो अपने आप पत्ता गिर जाता था खाकर भजन किया। तीसरा महीना में केवल पानी पी करके 9 दिन अंतर में, चौथा महीना में 12 दिन के बाद में केवल एक बार हवा पी करके भजन किया, और पंचवा महीना हवा को भी बंद कर दी, और छठवा महीना में उन्होंने अपना प्राण वायु को खींचा तो दुनिया का सारे वायु बंद हो गया। जैसे एक हाथी किसी नाव को ऊपर में प्यार रखे, जैसे नाव डगमगाती है, इसका इतना भजन प्रताप था ये पृथ्वी में डगमगा उठी। इतने में सारे देवता लोग हाहाकार करते हुए भगवान के पास में गए, बोले प्रभु त्राही माम रक्षा करो रक्षा करो। बोले कोई चिंता नहीं, मैं जल्दी ध्रुव जी को दर्शन देता हूँ। भगवान आए एक बार हृदय में दर्शन दे करके, जब हृदय से अंतर ध्यान हो गए, उसने छटपटाने लगी और आंख खोल कर देखा भगवान सामने खड़े हुए। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की। जब भगवान को दर्शन की, भगवान बोले कुछ स्तुति करो, भगवान अपना दिव्य शंख को ज्ञान स्वरूप कपल में स्पर्श कराए तो सारे सरस्वती जागृत हो गई, फिर धड़ाधड़ भगवान की स्तुति की। भगवान बोले बेटा बरमा गो, देखो ध्रुव क्या कहता है, बोले स्थानाभिलाषी तपस्वी स्थितम
त्वां प्राप्तवान् देवमुनीन्द्रगुह्यं काचं विचिन्न अपि दीपरत्नम् स्वामीन कृतार्थ अस्मि वरम न जाचे। बोले हे प्रभु, हाँ देखो यहाँ पर हमारे टीकाकरण की बहुत अच्छी बात कहते हैं। अच्छे तरह ये चीज अच्छी तरह समझो। बोले भक्ति कर तो भगवान की भक्ति करो। बोले क्यों? जैसे ये ध्रुव जी कहते, बोले प्रभु पहले मैं अज्ञानी था, इसलिए मैं सोच रहा था ये पृथ्वी का राजा बन जाओ और माँ को मैं राजमाता बना दू, लेकिन प्रभु आपका जो चरण है ना, ये देवता मुनियों के लिए भी दुर्लभ आपका चरण है। जब आपका चरण हमें प्राप्ति हो गई, बोले प्रभु अगर कोई कांच की टुकड़ा ढूंढते ढूंढते अगर उसको दिव्य मणि मिल जाए, जगत में ऐसे कौन सा मूर्ख होगा जो दिव्य रत्न को छोड़कर कांच की टुकड़ा ग्रहण करेगा। आपका चरण हमें मिल गया, आपकी भक्ति और सेवा, आप भक्तों का संग हमें दो। बोले मैं जब मिल गया फिर भक्तों का संग क्यों चाहते हो? देखो साधु संघ की, संतों का संघ कितने महत्व है। जब भगवान स्वयं कह रहे तुम मेरे से मांगो, उसने ये नहीं बताया आपका संघ मिले। किसका संघ चाह रहे हैं? बोले संतन की संघ लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। बोले संतों का संघ तो, बोले क्यों? बोले प्रभु आप क्या आपकी कथा मुझे सुनाओगे? आपका संत हमें कथा सुनाएंगे। आज जो आप हमें प्राप्त हुई है वो नारद जी की संत की कृपा से, इसलिए हमें संतों का संग दो, जिनकी मुंह से नित्य निरंतर कृष्ण कथार भी मंदाकिनी की नदी बहती है। अगर उसमें मैं गोता लगाते रहूंगा ना, मेरा मन तो अपने आप के आपके चरण में अपने आप लगा रहेगा। इसलिए प्रभु आप हमें आपके चरण की भक्ति, संतों की संग दो। बोले कुछ तो मांगो, अपना लिए तो कुछ मांगो। बोले नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। देखो ठाकुर क्या देते हैं। बोले जाओ, जैसे मेरे एक वैकुंठ है ना, तेरे लिए भी एक वैकुंठ बनाऊंगा। जब तक ये दुनिया रहेगा तब तक तेरे को याद करते रहेगा, जिसको ध्रुव लोक कहते हैं। हम ध्रुव तारा को याद करते हैं ना। बोले जब तक दुनिया रहेगा तेरे को याद करते रहेगी, इसलिए भगवान उसके लिए एक नया वैकुंठ ठाकुर जी बना लिए। नया वैकुंठ ठाकुर जी बनाए, जिस समय ध्रुव महाराज लौट करके आए, पिताजी इनको राज सिंहासन में बैठा करके भजन करने के लिए चले गए। जब उनको दिव्य 36,000 साल उन्होंने राजत्व की, जब लास्ट का समय आया, अभी वैकुंठ से रथ आया लेने के लिए, वैकुंठ से, ध्यान देकर सुना, वैकुंठ से रथ आया। बोले ध्रुव रथ में बैठो। जब रथ में बैठने जा रहा था स्वयं काल आ गया। बोले ध्रुव ये जगत में जो आता है ना, उसको काल का गाल में सबको जाना पड़ता है, मेरे को स्पर्श किए बगैर तू जा नहीं सकते। बोले बैठ जाओ। जब बैठ गए ध्रुव जी इसी शरीर में, सा शरीर में उन्होंने काल का सर पर प्यार रखा। प्यार रख करके जब रथ में बैठने जा रहा था, अभी इसकी मैया की याद आने लगी। ध्रुव जी ने कहा मेरी मैया कहाँ गई? विष्णु दूत ने कहा भैया मैया को क्यों ढूंढ रहे हो? बोले आज हमें जो भगवान मिले है ना, ये माँ की कृपा से, ये मैया ने मेरे को बताया था बेटा, ये पिता कब तक रहेगा, ये दुनिया कब तक रहेगा राज्य, ऐसे एक पिताजी की गोद में बैठो जिसकी गोद में बैठोगे तो कभी उतरोगे नहीं।